टू माय चैनल एंड योर वाचिंग फील फ्री सॉल्यूशन। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ आईब्रो सेटिंग। अगर आपकी आईब्रोज भी बहुत ज्यादा लाइट हैं जैसे कि मेरी हैं, या फिर आपकी आईब्रोज की शेप अनइवन है, आप अपनी आईब्रोज अच्छे से सेट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि अक्सर जब हम पार्टीज वगैरह में जाते हैं और हमारी आईब्रोज सेट नहीं होती हैं तो हमारा मेकअप कहीं ना कहीं अधूरा लगता है। तो वो अधूरापन दूर करने के लिए आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए कुछ खास हैक्स। ये जो सोल्यूशन आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, मैंने खुद इसको बहुत बार ट्राई किया है और इट कम्स आउट टू बी वेरी नाइस, सो आई एम शेयरिंग दिस विद यू। पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए कि ये सिंपल सी ट्रिक्स आपको कैसी लगी। ट्रिक्स बहुत ही सिंपल हैं लेकिन हमारी बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम का सोल्यूशन है। और स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो, लेट्स गेट स्टार्टेड। एंड यस, जो आज स्टेप्स मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, अगर आप किसी पार्टीज में जा रहे हैं तो ये सारे स्टेप्स फॉलो करें, और अगर आप डेली बेसिस पर अपनी आईब्रोज को सेट करना चाहते हैं तो इसमें से जो फर्स्ट स्टेप है या फिर जो सेकेंड स्टेप है, केवल आप उन दोनों में से एक ही स्टेप फॉलो करें, दैट इज सफिशियंट। तो देख लेते हैं कि क्या क्या है ये हैक्स। तो आईब्रोज सेट करने के लिए मेरे पास है यहाँ पर जेल आईलाइनर, ये है म्यूजिक फ्लावर का और बहुत ही सस्ता आता है। तो इसके अंदर एक ब्लैक होता है, एक ब्राउन होता है, मैंने ब्राउन वाला जेल आईलाइनर लिया है। और साथ में इसके आता है एंगुलर ब्रश, ये भी आपको इसी पैकेजिंग में मिल जाता है। तो इस एंगुलर ब्रश की हेल्प से मैंने थोड़ा सा ब्राउन वाला जेल लिया है और अपनी आईब्रोज के इनर कॉर्नर से आउटर कॉर्नर की साइड पर इसको अच्छे से स्प्रेड किया है। और आप देख भी सकते हैं कि केवल इस जेल आईलाइनर को लगाने से ही काफ़ी ज़्यादा सेट हो गई है, लेकिन जो हमारा जेल आईलाइनर है वो एक्स्ट्रा ना लगे, इसके लिए मैंने यहाँ पर यूज़ की है स्पूली। स्पूली अगर आपके पास नहीं है तो आप अपने मस्कारे का कोई भी ब्रश है उसको क्लीन करके यूज़ कर सकते हैं। मैंने भी वैसे वही यूज़ किया है, मस्कारे का ब्रश। और लाइकवाइज मैं अपनी दूसरी आईब्रो को भी सेट करूँगी, वही सेम एंगुलर ब्रश लेना है, ब्राउन वाला आईलाइनर जेल लेना है और इनर कॉर्नर से आउटर कॉर्नर की साइड इसको ड्रॉ कर देना है। आप चाहें तो पहले हल्की हल्की सी आउटलाइन भी ड्रॉ कर सकते हैं और बाद में स्पूली की हेल्प से इसको ब्रश कर दीजिए। अगर आप डेली बेसिस पे कर रहे हैं देन इट इज़ सफिशियंट। और उसके बाद आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं एक क्यू टिप। इसका हम यूज़ इसलिए कर रहे हैं, अगर आपको लगता है कि एक्सेस कुछ लग गया है आपकी आईब्रोज पर तो आप इसकी हेल्प से उसको क्लीन कर सकते हैं। तो ये आईब्रोज आपकी देखने में काफ़ी ज़्यादा नेचुरल लगती हैं, आप देख भी सकते हैं कि कितनी ज़्यादा फाइन लग रही हैं। अभी आपने स्टार्टिंग में देखी थी मेरी आईब्रोज कितनी ज़्यादा अजीब लग रही थी क्योंकि बहुत लाइट हैं इस वजह से। और लास्ट में इस टाइप का ब्रश जिसमें कॉम्ब भी होता है आईब्रोज के लिए स्पेशली, ये आपको ब्रश किट में मिल जाता है, उसकी हेल्प से आप इसको हल्का हल्का सा कॉम्ब कर लीजिए ताकि ये देखने में और भी ज़्यादा फाइन लगें। एंड अब आप देख सकते हैं काफ़ी बढ़िया लग रही हैं। उसके बाद लास्ट स्टेप आता है इसको और ज़्यादा फाइन करने के लिए, मैंने इसके नीचे यूज़ किया है फाउंडेशन। कंसीलर का भी यूज़ नहीं कर रही हूँ क्योंकि बहुत ही बेसिक स्टेप आपको बता रही हूँ, प्रोफेशनल वाला नहीं बता रही हूँ क्योंकि प्रोफेशनल मेकअप हर कोई नहीं कर सकता है। तो जो हम डेली बेसिस पे कर सकते हैं, जो हर कोई कर सकता है, वो स्टेप्स मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अगर कंसीलर है आपके साथ तो आप कंसीलर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर कंसीलर नहीं है तो आप सिंपल फाउंडेशन का यूज़ कीजिए और फाउंडेशन को अपने आईब्रोज के ऊपर और नीचे की साइड में हल्का हल्का सा लगा दीजिए ताकि जो शेप है वो और भी ज़्यादा डिफाइन हो जाए। लेकिन आपको ये स्टेप तभी करना है अगर आप कहीं पार्टीज़ में जा रहे हैं, क्योंकि जब आप पार्टीज़ वगैरह में जाते हैं तो मेकअप पूरा करते ही हैं, उस स्टेज में अगर आप फाउंडेशन लगाते हैं तो ये अच्छा लगेगा, लेकिन डेली बेसिस पर फाउंडेशन वगैरह ना लगाएं। एंड जस्ट लुक एट दिस, कितनी ज़्यादा अच्छी लग रही हैं ये आईब्रोज, लग रही हैं या नहीं कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। और ये जो इतना सिंपल मैंने आपको बताया है कि किस तरीके से आईब्रोज सेट की जाएं, आपको ये मेथड कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। अगर इस टाइप के और भी इंटरेस्टिंग और सिंपल आइडियाज़ वाले वीडियोस आप देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिए ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो। मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंटरेस्टिंग DIYs और हैक्स के साथ। अंटिल देन टाटा बाय बाय एंड लव यू ऑल, डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब, बाय बाय, टेक केयर।